बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी दर्शकों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बात करने वाली हूँ गर्मियों में फूल देने वाले एक ऐसे सुंदर पौधे की जो गुच्छों में फूल देता है, ढेर सारे फूल देता है। और एक बार फूल लग जाते हैं तो उसके फूल कई दिनों तक रहते हैं। और इतना हार्डी प्लांट है कि उसकी देखभाल की भी रोज़ रोज़ कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने उसमें खाद पानी डाल दिया और एक बार में के बाद में काफ़ी दिनों की छुट्टी। तो मैं बात कर रही हूँ खूबसूरत फूल देने वाले पौधे बोगनविला की। और आपको दिखाऊँ, मेरे पास दो बोगनविला हैं। एक तो ये बड़े फूल वाला, इसमें फूल आने शुरू हो गए, और दूसरा ये है जो छोटे वाले फूल देता है। ये देखिए, इसमें भी फूल आने शुरू हो गए। ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने बोगनविला में कुछ ऐसे काम किए थे जो कि इतनी जल्दी मेरा बोगनविला, आप देख सकते हैं, ये इसमें रिज़ल्ट नज़र आने लग गया। लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। मैंने 20-22 दिन पहले अपने बोगनविला में जो काम किए थे वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मौसम है, आप अभी भी कर सकते हैं और अभी करेंगे तो आपका बोगनविला गर्मियों के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो बोगनविला हैं, और बहुत ही हल्के, बहुत ही कम पत्तों वाले हैं, लेकिन पत्तों से ज़्यादा इसमें आपको फूल नज़र आएंगे। अभी इसमें फूल निकलना स्टार्ट ही हुए हैं, तो इसीलिए देखिए, एक तो ये है, इसमें भी बस सिर्फ एक ही टहनी है फूलों की, दिख रही है आपको, तो एक ही टहनी है लेकिन इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए नई, वो दिख रही है ना पत्तियाँ, इसी के ऊपर फ्लावरिंग होगी। और दूसरा बोगनविला तो आप ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, ये कितना ज़्यादा फूलों से भरा हुआ, ये सब फूल ही है। और ये देखिए, दिख रहा है आपको कितनी सारी पत्तियाँ और कितने सारे फूल। पत्तियाँ तो कम है, इस पर फूल ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप बोगनविला, जो एक ऐसा प्लांट है जिसको आप पूरे दिन की धूप रखेंगे तभी ये अच्छे से चलेगा। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो इसको डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। हालाँकि मेरी बैल्कनी में जाती हुई आती है तो उतनी धूप नहीं मिल पाती, और गर्मियों में थोड़ी तेज़ हो जाएगी, तो फिर भी ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पर प्लेस किया है जहाँ पर अच्छे से धूप आती है तो आपके बोगनविला में बहुत ढेरों फूल निकलेंगे। तो धूप आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, दिन भर की धूप में भी रखेंगे तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। दूसरी चीज़ ये कि आपने इसकी जो मिट्टी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालने हैं इसकी मिट्टी में, सिर्फ जो आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसमें रेत मिलाइए और गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, वो मिला करके गोबर खाद पहली बार में मिला दीजिए जब आप पौधा लगाते हैं, या अगर आपने लगाया हुआ है तो आपने सर्दियों में ज़रूर डाली होगी इसके अंदर गोबर खाद। तो इस टाइम पे आप गोबर खाद ना दें, इस टाइम पे आप या तो वर्मी कंपोस्ट दें। वर्मी कंपोस्ट देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो आप कंपोस्ट खाद दें, और वो दें आप लगभग एक एक महीने के गैप के बाद में, क्योंकि इस टाइम पे इसकी ग्रोथ का टाइम है, इस टाइम पे इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट करने का टाइम है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ये जल्दी फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, आप देख रहे हैं मेरे, तो ये है। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दें, कंपोस्ट खाद दें, और इन खादों के साथ में नीम खली का ना कम से कम 2 मुट्ठी नीम खली ज़रूर मिला दें अपनी खाद में। मैंने भी कुछ दिन पहले मिलाई थी, आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो नीम खली मिलाने से क्या होता है, आजकल आपको पता ही है कितने सारे पेस्ट एफिड्स बहुत सारे लग रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचाव होगा, मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे, तो फंगस वगैरह का जो खतरा रहता है ना, फंगस नहीं लगेगी, ये है। और इसके बाद में पानी की अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, आप 3 दिन बाद इसमें पानी दे सकते हैं। अगर आपने धूप में रखा हुआ है तो आप पौधे की मिट्टी को चेक करके तभी इसमें पानी दें तो सही रहेगा। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो आपके पौधे में क्या होगा, या बहुत ज़्यादा खाद देंगे तो क्या होगा, आपके पौधे में ना पत्तियाँ तो बहुत सारी निकलेंगी लेकिन फूल नहीं देगा। फूल लेने के लिए इसमें पानी कम डाला जाता है और खाद जैसे 1 से 1.5 महीने बाद आप इसमें खाद डालें,
तब ये अच्छे से चलता रहेगा। बस धूप इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं इसमें बात करूं, आपके पास पौधा है और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इस टाइम पे इसकी प्रूनिंग कर दें। मैंने इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस काट दी थी, आपको दिखाऊं अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाली ब्रांच भी कटी हुई है, ये देखिए ये भी मैंने ब्रांच काटी थी, और ये देखिए यहाँ पर भी ये सारी ब्रांच कटी हुई है, ये भी कटी हुई है, तो बहुत सारी ब्रांचेस मैंने इसकी पूरी निकाल दी थी। ये देखिए ये वाली भी ब्रांच कटी हुई है ना, तो काफ़ी सारे ब्रांचेस काटने के बाद में इसके अंदर आप देखिए 20-22 दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और एक चीज़ इसके लिए जादू की तरह जो काम करती है वो ये कि अगर आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, पत्तियां भी अच्छे से बनी हुई हैं और सब कुछ ठीक है, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन दोनों में फ़र्क होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। तो बेकिंग सोडा आप एक चम्मच लें और 1 लीटर पानी में घोलें, और वो आधा आधा पानी, अगर आपके 2 गमले हैं तो आधा आधा पानी डालें, यानी कि कुल मिला के आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1/2 लीटर पानी में आपको 1 गमले में देना है। ये 10 से 12 इंच का पॉट है उसमें, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक बार यूज़ किया तो कम से कम 1-2 महीने की छुट्टी, क्योंकि अगर आप इस पर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका पौधा जो है जल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स का क्वेरी आती है कि मेरा पौधा जल गया है, तो वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने पर या जल्दी जल्दी यूज़ करने पर ही ऐसा होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और बताऊँगी लास्ट कि आपके पौधे में, इसमें वैसे तो पेस्ट वगैरह नहीं लगते, लेकिन ये जो टाइम है इसमें ब्लैक कलर के एफिड्स लग जाते हैं जो कि पता नहीं चलते हैं, तो इसके लिए आप इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो 3rd-4th दिन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने भी काफ़ी सारे पेस्टिसाइड बताए हैं, तो उनको 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से ला करके कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो कम से कम 8 दिन में करें। तो आज की जानकारी इतनी ही थी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।